आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। फिर एक्चुअली कोरोनरी सर्कुलेशन को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे उस डायग्राम के अंदर कि किस तरीके से कोरोनरी सर्कुलेशन भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको कहा जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन किसको कहा जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन की। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में आप देख सकते हो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, सिस्टमिक एवोर्टा के अंदर जाता है, सिस्टमिक एवोर्टा से कोरोनरी आर्टरी के अंदर, फिर कोरोनरी आर्टरी से खुद हार्ट पे दिया जाता है ब्लड, फिर आप देख सकते हैं वापस लिया जाता है कोरोनरी वेंस से, वापस आता है कहाँ पर, कोरोनरी साइनस में, फिर राइट एट्रिया में, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा इस डायग्राम को फिर से समझ लेते हैं कि जिस वक्त आप देख सकते हो यहाँ पर बताया लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ, क्या किया हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ये है, यहाँ से जब ब्लड निकलता है किसके अंदर आता है, सिस्टमिक एवोर्टा के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया सिस्टमिक एवोर्टा के अंदर, ठीक है। फिर वहाँ से कहाँ पर जाता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी देखो यहाँ पर जो बताया हुआ है रेड कलर से मैंने आपको दिया हुआ है कि यहाँ से निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पर जाता है, सिस्टमिक एवोर्टा में, और सिस्टमिक एवोर्टा से आपको ये रेड कलर की जो बताया हुआ ये है एक्चुअली कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में जाता है। कोरोनरी आर्टरी एक्चुअली लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो आपको हार्ट को ब्लड दिया जाता है, हार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। तो फिर कोरोनरी आर्टरी से कहाँ पर गया, हार्ट पे, हार्ट को दे दिया गया ब्लड, ठीक है। फिर हार्ट से कहाँ पर गया, कोरोनरी वेंस में, ठीक है। तो एक्चुअली कोरोनरी वेंस की अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे ये सारे के सारे जो बताया ब्लू कलर से, सारे के सारे कोरोनरी वेंस है, ठीक है। कोरोनरी वेंस से होता हुआ कहाँ पर चला जाता है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको कहा जाता है कोरोनरी साइनस, और कोरोनरी साइनस भी कहाँ पर ओपन होता है, राइट एट्रिया दिखाई दे रहा है आपको, राइट एट्रिया में, ठीक है। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ सिस्टमिक एवोर्टा में जाता है, सिस्टमिक एवोर्टा से आप देख सकते हैं कोरोनरी आर्टरी में जाता है, कोरोनरी आर्टरी में आपको बताया यहाँ पर बताया हुआ है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी से फिर कहाँ पर जाता है, ब्लू जो दिखाई दे रही है ये आप देख सकते हैं ये है वेंस, कोरोनरी वेंस में जाता है, कोरोनरी वेंस से ब्लड वापस आता है कहाँ पर, आप देख सकते हैं कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस से कहाँ पर आता है, राइट एट्रिया में आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये सर्कुलेशन।